जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, ये तो था कि जो किसान हमारे तो जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, और इन स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने जो अपना जो इस बजट पे जो प्रावधान किया है वो एक अच्छा प्रावधान है। हालांकि मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि बहुत सराहा जाए, पर यह कि हर किसान को जिसकी 2 एकड़ से कम की जो जो है जमीन है उसको ये महीने प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये महीना उसको वो देंगे। उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी जो कृषि क्षेत्र के अलावा जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो देश का जो आम वेतनभोगी वर्ग है, जो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है देश का जो मिडिल क्लास है, उसके लिए भी मोदी सरकार ने जो है वो एक बहुत बड़ा जो है प्रावधान किया है बजट में कि टैक्स की सीमा है वो 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। और ये मैं समझता हूं कि आम घर को जो है ये प्रसन्न करने वाला होगा, गृहिणियों को, वेतनभोगी जो पुरुष वर्ग है उसको भी, क्योंकि इससे टैक्स में काफी राहत मिलने की संभावना है। जो ये बजट है, इस बजट में एक चीज और हमने देखी कि सरकार ने जो बजट का जो साइज है, जो पिछले साल करीब 24 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 27 लाख करोड़ किया। और इस बजट की एक और हाईलाइट जो मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है वो ये कि जो बजट का राजकोषीय घाटा है, जो पिछले साल के बजट में 18-19 के बजट में 3.3% जीडीपी का था, उसको इन्होंने बढ़ाकर 3.4% किया है। तो ये समय बताएगा कि ये बजट घाटा इसी सीमा में अगले साल खत्म होगा या ये बजट घाटा बढ़ के और ऊंचे लेवल पर जाएगा। पर कुल मिलाकर हम ये कहें कि मोदी सरकार का ये बजट कैसा रहा, तो हम ये कहेंगे कि आम जनता को लुभाने वाला बजट ये कहा जाएगा। किसानों के लिए जो राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, अगर हम उसको बजट के हिसाब से देखें तो उसमें करीब 75,000 करोड़ का खर्च सरकार को अपने खजाने